भाई चाय तो मंगा ले यार, सुन से मंगा रहे मंगा रहे, एक मिनट रुको बाबा आ गई। यार वो कल वीडियो देखी तुमने? कौन सी? वो जो सुनील शेट्टी और शाहिद अफरीदी वाली, उसमें बेटी से मिला रहा है अपने को। सुनील शेट्टी की बेटी तो एक्ट्रेस है, उसकी शादी हो चुकी है, उससे मिलवा रहा है अफरीदी साहब। सुनील शेट्टी की बेटी देखी? अफरीदी भी लंबी है कद में। नहीं नहीं सही है, मैं समझा वो ये क्रिकेट और वो जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, इसका बड़ा जबरदस्त हो रहा है। सुनील शेट्टी की बेटी की शादी इंडियन क्रिकेटर से हुई है, केएल राहुल से। इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन एक्ट्रेसेस, और साथ साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक्टर्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी बड़ा बड़ी हिस्ट्री रही है। अच्छा, तो ये IPL की से ज्यादा इनकी यानी आपस में मिलना जुलना होगा? क्यों गुर्बत वाली बातें करते हो यार, IPL अभी तुम्हारे सामने का यार। और ये जो चल रहा है पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ियों का संगम, ये तो राइट फ्रॉम द डे वन है। 1952-53 में जब गई है पाकिस्तान टीम इंडिया, तो फजल महमूद की तो पूरे इंडस्ट्री भी वाली हो गई थी। इंडियन क्रिकेट में कोई खूबसूरत आदमी नहीं था? इंडियन क्रिकेट में पटौदी आए थे, लेकिन वो बस बाद में आए थे। पटौदी बस डैशिंग, सैफ अली खान का, सैफ अली खान का बाप डैशिंग। वो नहीं होगा तो क्या आप और मैं होंगे? मैं तो हूँ। तो वो 1952 में गए तो फजल महमूद साहब थे, उनके इर्द-गिर्द सब घूमते रहते थे एक्ट्रेसेस भी बड़े इनके वो रहा था। फिर 55 में इंडियन टीम यहाँ आई थी, और एक दफ़ा फिर एक इंडियन कॉमेडियन थे, राइटर कॉमेडियन IS जौहर साहब, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी काम किया उन्होंने, वो पाकिस्तान आए तो नेशनल स्टेडियम कराची में फिल्म अदाकारों ने मैच रखा। 61 में एक बड़ा मजे का वाक्य हुआ है, पाकिस्तान टीम जब इंडिया गई है और बॉम्बे में उसका टेस्ट मैच था, तो यहाँ एक शिपिंग कंपनी ने इशू कर दिया पास कि हमारे साथ सफर करके बॉम्बे जाइए, एक दिन मुगल आजम देखिए और एक दिन पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच देखिए। यहाँ से शिप जाएगा मुंबई, कराची से शिप जाया करता था मुंबई जी, और वहाँ क्रिकेट टेस्ट मैच भी देखिए और फिल्म भी देखिए। फिल्म भी देखिए उनके सिनेमा में 12 या 15 रुपए में। 65 की जंग से पहले था, उसके बाद ये हुआ, फिर 65 की जंग हो गई। 65 की जंग के बाद वाट लग गई बिल्कुल सबकी, और हशर हो गया 78 में जब एटॉमिक बम बना लिया। वो तो एटम बम आपने बना लिया था, दैट वाज पुकरान इंडिया में 73-74 में। आपको भी जोश चढ़ा, आपने भी कहा हम भी करेंगे। फिर भुट्टो साहब को जेल हो गई, मार्शल लॉ आ गया, दौलत आ गया, इस्लाम आ गया, और इस्लामी मर्द मुजाहिद ने सबसे पहला काम ये किया कि खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज हो गए, बिल्कुल, क्योंकि खुदा खुदा तो ईरान में होता है ना, इस्लाम तो सऊदी अरब में आया था। ये अलग कहानी है, छोड़ो इसको, इसमें तो कोई रॉकेट लॉन्चर मार देगा। वैसे ही प्रेस क्लब में बैठे हैं, बाहर से पत्थर आ गया, हम भी जड़ा वाला वालों हाँ इज्जत में आ जाएंगे बेचारे जो उनके साथ जो हुआ है। इंडियन टीम जब 78 में यहाँ आई है, पहली मरतबा टेलीविजन कवरेज बहुत अच्छी हुई, और इतना मुतासर हुए कि 79 में जब उन्होंने अपने सीरीज की, तो हमारे से शायद कुछ कमेंटेटर्स को भी बुलाया था ताकि पता चले। लेकिन उस 79 के दौरे में पाकिस्तान क्रिकेटर्स और इंडियन एक्ट्रेसेस बहुत करीब आ गई, रेखा और जिन्नत अमान अमूमन उस ड्रेसिंग रूम में पाई जाती थी जहाँ इमरान खान होते थे। तो जिन्नत अमान दम मारो दम वाला सॉन्ग हो रहा होता था या सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा था उस वक्त? तो खैर सत्यम शिवम सुंदरम ही था, जो भी कहे भाई खान साहब, खान साहब थे भाई। तो और एक मजे की मैं दो तीन वाक्य पढ़े कि बॉलीवुड की फिल्म सिटी का दौरा किया इन लोगों ने, खिलाड़ियों ने, तो माजिद खान को ज्यादा पता नहीं होता था चीजें, तो उनके साथ एक बहुत ही आम सी शक्ल की लड़की बैठी हुई थी, तो वो उठ के पूछा उन्होंने कि आप भी काम करती हैं फिल्मों में? जी मैं भी करती हूँ। और बात बात हुई, बाद में पता चला कि दैट वाज समीता पाटिल। माजिद खान शर्मिंदा हो गए कि वो तो एक्ट्रेस नहीं भाई बड़ी। तो वो इस तरह के किस्से हुए। लेकिन जब 79 की टीम को लेकर आसिफ इकबाल इंडिया गए हैं, तो एक अलग चीज ये थी कि आसिफ इकबाल इंडिया में ही पैदा हुए थे, हैदराबाद दक्कन में, वहीं से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया था, और फिर पाकिस्तान आके यहाँ की नुमाइंदगी की थी टीम की, तो बहुत क्लोज था वो। और इसकी वजह से जब आसिफ इकबाल ने इस दौरे के बाद रिटायरमेंट ली और CBFS
क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज इन शारजा में उसका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया। फिर आसिफ अंकल ने ये काम किया कि इंडियन एक्टर्स को शारजा बनाना शुरू किया ताकि उन अदाकारों की वजह से लोग भी आए और खिलाड़ी और ये जो है एक थोड़ा सा एटमोसफेयर कॉर्डियल बन जाए। और बहुत लोग आए शारजा भाई, बहुत लोग आए, हमारे से तो ज्यादा ही थे। अब शाहरुख खान और शोएब अख्तर की दोस्ती है, अब आपको लाख शाहरुख खान ना पसंद है लेकिन फिर आप देखेंगे तो ना शोएब भाई, तो वही था सारा। जब 70s में ये शुरू हुआ है तो 86 का बड़ा मशहूर वाक्य है, तन्हाइयां ड्रामा यहाँ पे एयर हुआ, राज कपूर वाज प्लानिंग टू मेक हिना फिल्म, ये शारजा है दिसंबर 86 में, शहनाज शेख और मरीना खान भी वहाँ पहुँचे, हसीना मुइन थी वहाँ, डायलॉग लिख रही थी इस फिल्म के, जेबा अख्तियार बाद में, जेबा से पहले राज कपूर इन दो को देखना चाह रहे थे कि इन दो में से कौन सी एक्ट्रेस जो है वो मेरी है, मरीना खान और शहनाज शेख, तो ये तो दोनों ड्रामा इंडस्ट्री ड्रामा की थी तो वो चाह रहे थे ना कि, तो जेबा अख्तियार का आसमान से उतर के आई, वो भी तो ड्रामा कर रही थी। 88 में उनका ड्रामा हुआ था जो अप्रैल 88 में एयर हुआ है, उसकी टेप राज कपूर को गई है, राज कपूर ने वो टेप देखी है, राज कपूर ने इनको ओके किया, 2 जून 1988 को ही डाइड। उसका ये था कि ही वाज वेटिंग कि मुझे कोई चेहरा मिल जाए वैसा। फिर 80s ही में जावेद मियांवाला का छक्का 1986, कितनी इंडियन फिल्मों में आया है, कितनी फिल्मों में आया है, उसका जिक्र आया है जी नहीं, लगान में क्या है, आमिर खान बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट बॉल जोड़ रहे ना बिलावल, और लास्ट बॉल छक्का और किसने मारा था, ऋतिक रोशन की और शाहरुख खान की वो जो थी कभी खुशी कभी गम, उसका पहला सीन जाएंगे कि बैटिंग कर रहा है लास्ट बॉल सिक्स रन और अपने मामा बाबा को याद करो और ठक छक्का, तो मजेदार के छक्के ने देखो लास्ट बॉल सिक्स रन वाला जो था ना वो उनको घुमा कर रख दिया था, लास्ट बॉल छक्का वाला था। फिर उसका बदला इंडिया ने क्या लिया, अनिल शर्मा साहब जिन्होंने अभी गदर 2 रिलीज किया जिनकी फिल्म, जिनकी गदर 1 भी थी, उनकी एक फिल्म थी हुकूमत, उस फिल्म में हीरो था धर्मेंद्र और उस फिल्म में विलन था सुधीर और सुधीर के कैरेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर जावेद मियांवाला। तो आप ही जावेद हैं ये सब, जब धर्मेंद्र आके कहता है तो आप हो जावेद और उसको मारता है करप्ट आदमी को, तो सिनेमा तो आई सनी देओल के पंप उठाने से कुछ नहीं होता जितना धर्मपाजी के मुक्के में था। खैर अच्छे नामों से भी याद किया गया है। फिर कपूर कौन सी मूवी, झूठी जो रेखा की थी उसमें राज बब्बर की तारीफ करी होगी कि सामने से देखो तो ये, साइड से देखो तो इमरान खान। अनिल कपूर की फिल्म में तो उन्होंने, अनिल कपूर ने खेल फिल्म में अच्छा, लड़की पटाने के लिए कह रहे होते ना ये इमरान रीटा को लेके भाग गया, इमरान रीटा को लेके भाग गया, तो वो था वसीम अकरम चंकी पांडे कहते हैं लेके भागने वाला एलिमेंट खान साहब से जुड़ा हुआ। भैया तुम्हारी शक्ल इमरान खान और वसीम अकरम से बहुत मिलती है ना। तीसरा कौन फिल्म जो थी उसमें चंकी पांडे की बहन कहती है कि भैया तुम्हारी शक्ल वसीम अकरम से मिलती है, तो वो एक था। फिर जहांगीर खान न्यू दिल्ली टाइम्स जो गुलजार साहब की फिल्म थी उसमें शशि कपूर का कैरेक्टर जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरे साथ स्क्वैश खेलो, तो कहता है यार मैं नहीं खेलूंगा, तो कहता है यार मैं कोई जहांगीर खान थोड़ी हूँ, तो वो कहता है मैं भी कोई अकबर बादशाह नहीं, मजाक था। 1979 में फिल्म गोलमाल आई थी उसमें इस्लाउद्दीन हसन सरदार इन सब के नाम आते हैं उसके अंदर, और सबसे मशहूर भाई अमिताभ बच्चन, वसीम राजा ट्रोल वसीम बारी टू ठेक रन, वो जो है नमक हलाल में 1979 टाइप के लोग आए लगे यार, अफरीदी है यार हमारा मतलब इतना, चल अफरीदी का नाम नहीं आया मूवीज में। बजरंगी भाईजान में क्या है, क्या है बजरंगी भाईजान में लड़की का नाम शाहिदा क्यों है, उनका बेटा पैदा होता तो उसका नाम शाहिद रखते हैं, और अफरीदी का छक्का है उसके अंदर। अच्छा अफरीदी का छक्का दिखाया है और लड़की खुश होती है तो सलमान खान कहते हैं मुझे पाकिस्तान।
पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फिल्मों में किसी इंडियन क्रिकेटर का नाम लिया गया हो भाई सिनेमा जला देते हैं ठीक है प्रोड्यूसर उठा लेते हैं ठीक है और रीले काट देते हैं सही है मुसलमान बोल हिंदू का नाम देखने सब जाओगे जब इंडियन टीम 97 में पाकिस्तान आई है तो पठान जो था उससे उसने कुछ सामान लिया इंडियन खिलाड़ी ने तो पठान पैसे नहीं लेना उससे तो मेहमान है हमारा अबे तो मेहमान की जो हरकतें क्या करते फिर तुम लोग अरे कोई नहीं है वही कह रहे हैं ना आज देखे ना जहाँ वाला में बेचारे वो भूल रहे कह रहे भाई जो लोग आए जलाने उनको हमने कभी इलाके में देखा नहीं पाकिस्तान में आप देख लें और कराची में आप देख लें जिन्होंने अपनी आंखों से हालात खराब देखे हैं कराची के जो लोग आके जिन्होंने कभी इत्तेफाक से किलिंग देख ली या कोई ऐसी हालात देख ली तो शक्लें आपको नॉर्मली इलाकों में दिखती नहीं थी तो आम लोगों में मेरे ख्याल से नफरत नहीं पता नहीं कहाँ से ये डिप्लॉय होते हैं भाई आपकी चाय तो ठंडी होगी मैंने पी बहुत मजे की थी आप तो मैं पी नहीं सकता ठीक है यार अब यार जाके कहना पड़ेगा जाके कहना पड़ेगा।